This is Vishal, and today I'll talk about how to paint all the small scratches which cannot be removed by rubbing and polishing. So I have already done a video which I will show you a link on the top. So you must refer to it. And now we will show you how to remove deep scratches where paint has gone out, how to remove it. तो चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए. तो उसके लिए चाहिए हमें नेल पॉलिश. आई एम श्योर आप सोचोगे अब मैं क्या कर रहा हूँ, बट येस वी आर गोइंग टू डू हाइड दो स्क्रैचेस विद दिस नेल पॉलिशेस. मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ ये नुस्खा. नेल पॉलिश एक तो अवेलेबल है ऑल वेरियस शेड्स में है. आप आपके बीवी हो या माँ हो या बहन हो या बेटी हो, जिनको भी बोलेंगे वो खुशी खुशी आपको नेल पॉलिश ला देंगे उनके यूज़ के लिए. तो मैंने भी ऐसे ही कुछ नेल पॉलिश खरीदे हैं विच सूट्स माई कार कलर. उस हिसाब से आप नेल पॉलिश ले लीजिए, यू विल गेट द मैच, एग्जैक्ट मैच भी आपको मिल जाएगा नेल पॉलिश के अंदर में. नेल पॉलिश के बाद में आपको चाहिए क्रीम एक्स एप्लीकेटर एंड कार साफ करने के लिए, या तो पानी हो तो पानी, या तो यू गेट दीज काइंड ऑफ वॉटरलेस वॉश, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको पेंट कैसे करना. माइंड यू ये जो मैं आपको नुस्खा दिखा रहा हूँ ये बहुत ही स्लाइट स्क्रैचेस हो, छोटे मोटे, बड़े स्क्रैचेस को आप इससे ज़रूर इससे ना करें. मेरा एडवाइस रहेगा एकदम स्लाइट स्क्रैचेस बम्पर पर लगते हैं जहाँ पर बहुत ही लाइट स्क्रैच है उसके ऊपर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़्यादा बड़ा स्क्रैच हो, दिखने में बहुत ही विजिबल है, तो मैं उसे ये इस्तेमाल करने मना करूँगा. तो पहला स्क्रैच आपको मैं अपने नंबर प्लेट पर दिखाना चाहता हूँ. तो ये देखिए आप 7 नंबर पर आप देख सकते हैं एक मोटा सा खरोच पड़ गया है. तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये स्क्रैचेस थोड़े हल्के से पड़े हुए हैं गाड़ी पे. तो जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ये पेंट निकल चुका है यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर भी पेंट निकल चुका है थोड़ा, और देखिए यहाँ पर भी थोड़ा पेंट नया निकल चुका है. तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ये सबको कैसे टचअप करना है. सबसे पहले आप इस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए. एक बार अच्छी तरह से साफ हो जाए तो अब आप ये, क्योंकि ब्लैक कलर है तो हमें ब्लैक नेल पॉलिश चाहिए. तो जस्ट टेक योर नेल पॉलिश और पेंट करना शुरू करिए. Thank you.
अब आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा पेंट एकदम सूख चुका है, तो अभी हमें इसके ऊपर में थोड़ा पॉलिश लगाना पड़ेगा। पॉलिश लगाने के लिए आपको चाहिए एक एप्लीकेशन। ये हम लगा रहे हैं ताकि हमारा जो नेल पॉलिश है वो निकले। इसे हमें थोड़ा देरी सूखने देना है, उसके बाद में हम इसका बफिंग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जितना भी पेंट था सब सूख गया है, तो इसे खाली एक कोट पॉलिश करेंगे। हमने काफ़ी देर इसे सूखने दे दिया पॉलिश को, अब हमें खाली बफिंग करना है। और ये हमारा नंबर प्लेट रेडी हो चुका है, तो अब हम इसका बफिंग कर देंगे। काफ़ी देर थोड़ा वेट कर लिया, हमें 10 मिनट इसे सूखने दिया है, बिजी है, और इसका खाली बफिंग करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पेंट पूरा कर लिया है, जितने भी काले स्पॉट्स थे सब चले गए, अब विजिबल नहीं, पता नहीं चलेगा कहीं पे आपने टचअप किया है कि नहीं। तो यही था आज हमारा वीडियो, जुगाड़ है आज का। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। टिप की, तो जैसे आप सब जानते हैं हेड लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए अंदर में एक स्विच दिया गया रहता है जो इलेक्ट्रॉनिकली मोटराइज रहता है, और आप जिसे ऊपर नीचे करेंगे तो उससे आपकी हेडलाइट ऊपर नीचे होती है। अब बाय चांस आप कहीं बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन है, आजू बाजू आपके कोई भी वर्कशॉप नहीं हो, और आप ऊपर नीचे करने के बावजूद हेडलाइट एडजस्ट नहीं हो रही है, तो आपको उसका ट्रिक बताता हूँ मैं। चलिए, आपके गाड़ी के बोनेट खोल लीजिए और हेडलाइट के पिछले और ऊपरी तरफ में आप डी एंड यू के निशाने को देखिए। डी एंड यू के पीछे आपको दिखेगा एक स्लॉट सा बना हुआ, और उस स्लॉट के नीचे एक रोलर है। आपको आपकी स्क्रू ड्राइवर वहाँ पर इंसर्ट करनी है, और उस रोलर को डी की तरफ घुमाएंगे तो आपकी हेडलाइट नीचे की तरफ जाएगी, और यू के तरफ घुमाएंगे तो आपकी हेडलाइट ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरह आप आपकी हेडलाइट फोकस ऊपर या नीचे कर सकते हैं। वैसे ही राइट और लेफ्ट में भी आपकी फोकसिंग आप कर सकते हैं कार की लाइट की। तो ये फीचर जो है इसी कार में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, ये फीचर हर किसी गाड़ी में रहती है। आपको इस कार में ये यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, कोई कार में यही चीज़ पीछे की तरफ में भी हो सकती है। आपको सिर्फ इसे ढूंढना है और आप मैन्युअली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको टिप बताया, तो आई होप ये आपको काम आएगी कभी इमरजेंसी में। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली please do like the video, share the video, and do subscribe to my channel and press the bell icon. जब भी मेरी release होगी video, आपको तुरंत पता चल जाएगा। Thank you, bye bye, drive safe and always wear your seat belts.